तो दोस्तों बरसात के दिनों में आपका बिजनेस थोड़ा स्लो हो जाता है या फिर कम ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं। तो दोस्तों हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल बागुल और मेरे चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो फिलहाल अभी बारिश रुक गई और फटाफट वीडियो बना लूँ, क्योंकि दोस्तों बरसात के दिनों में ऑटो रिक्शा में बिजनेस जो बहुत से ऑटो जो पैसेंजर है वो गीले हो जाते हैं और गाड़ी की जो पर्दे नहीं होने के कारण आपका बिजनेस थोड़ा कम होता है, तो उसके लिए आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको फटाफट कौन सा पर्दा बिठाना है वो उसकी जानकारी फिटिंग पूरी देने वाला हो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये दो टाइप के पर्दे, ये लोकल ये बहुत ही 100 रुपीज़ का है, 150 का है, तो थोड़ा ये प्लास्टिक हेवी है, पर दोस्तों बिठाने के बाद उसका जो फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको निकाल के रखा है। तो दोस्तों बहुत से ऑटो ड्राइवर जब नए नए ऑटो लेते हैं या उसके ऑटो को पर्दे तो कंपनी देती नहीं, आपको खुद खरीदना पड़ता है, जहाँ आपको गाड़ी का स्पेयर पार्ट मिलता है या कुशन हुड कुशन मेकर के पास मिलता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के पर्दे होते हैं, और बारिश शुरू होने के बाद ही जो पर्दा मिलता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये दो क्वालिटी के, फिलहाल मैंने दोनों भी निकाल चुका क्योंकि वो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता था फोल्ड करने के बाद, और कभी कभार इस तरह होता है कि क्योंकि एक ही साइड का पर्दा मिलता है वो राइट साइड का है सिंगल पर्दे। तो फिलहाल जैसे बजट बढ़ने के बाद मैंने दोनों ऑटो जो मेरे ऑटो को रिक्शा के दोनों पर्दे बिठाने के फिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो नट है या फिर 8 नंबर के या 10 नंबर के जो भी हो आपकी, ये खोल लेना है। आपके पास जो रिंग पाना हो या चपटी पाना है, खोलने के बाद इसको आसान तरीका है, और कोई ऑटो को ये वाला नहीं होता है रॉड, तो फिलहाल ये कंपनी रॉड इसलिए मैंने रखा है। तो फिलहाल अभी वो तो बाद में बात करेंगे, फिलहाल ये फिटिंग करने के लिए इसको यहाँ से ये वाला रॉड यहाँ से ही खोल लेना है, और उसके बाद आपका पर्दा इस तरह फिट हो जाना है। फिटिंग होने के बाद इसको फिर से टाइट कर देना, क्योंकि फिर बाद में नट गिर ना जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना आपका जो हुड ख़राब ना हो जाए, इसलिए हल्के हाथ से आराम से ही काम करना है दोस्तों। तो ये हो गया, उसके बाद आपको जब आपके पर्दे ये मैंने अब फिटिंग करने के बाद आपको देख सकते हैं ये वाला मेरा रेक्जिन का पर्दा है नए वाले दोनों तरफ से दोस्तों, क्योंकि ये जोड़ी से ही मिलता है, सिंगल में मिलता नहीं। और फिलहाल ये खोलने के बाद उसको राउंड करने का भी बहुत आसान तरीका है, और उसका आपका टाइम बचता है, और उसके बाद आपका गाड़ी का लुक भी अच्छा दिखता है। ये फुल पर्दे दोस्तों, हाफ पर्दे ना लो, हाफ पर्दे बहुत प्रॉब्लम देते हैं बारिश, आपके शहर में ज़्यादा बारिश हो या फिर हवा ज़्यादा हो तो फिर हाफ पर्दे क्या होता है, हवा से हिलते हैं और अंदर का पैसेंजर पूरा गीला हो जाता है और आपका नुकसान होता है और आपका बिजनेस डाउन होने लगता है, क्योंकि और रिक्शा में आपको पता है बहुत से पैसेंजर बहुत ही गाड़ी में बैठने के बहुत केयर करते कि ऑटो रिक्शा में आपकी कैसी ऑटो रिक्शा है। तो दोस्तों फिलहाल अभी वो बात बाद में करेंगे, पर आपका बिजनेस अच्छे हो और आपके अंदर का जो ऑटो रिक्शा का जो फिलहाल पर्दे बिठाने का लुक अच्छे तरह से दिखे, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना रहा। तो फिर फिटिंग तो हो गई ऑटो रिक्शा की जो पर्दे बिठाने के बाद, उसके अंदर का व्यू भी आपको दिखा देता है, क्योंकि फटाफट वीडियो कैसे लगा जरूर पसंद करना हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मैं अनिल बागुल और ऑटो रिक्शा ज्ञान में ऐसे ही वीडियो तो अंदर का व्यू आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बाहर से आपको तो देख सके तो अंदर भी देख लेना है। तो इस तरह दोस्तों ऑटो में जो पर्दे इस तरह फिट होते हैं।